दोस्तों आप ट्विच के बारे में तो जानते ही होंगे और जिन लोगों को नहीं पता मैं आपको बता दूं कि ट्विच एक वीडियो गेम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है और इसकी वैल्यूएशन 15 बिलियन डॉलर्स है और इसके फाउंडर जो की है जस्टिन केन उनकी net worth 100 million dollars है। तो तो ने जब ये 15 million की बनाई, तो उन्होंने में में बहुत कुछ सीखी होगी। और उन सारी को मैं इस इस आपके साथ करने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो से आपको बहुत वैल्यू मिलने वाली है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, मैं हूँ प्रीतम और आप देख रहे हैं आपका दोस्तों हमारी सबसे पहले लेसन है पीपल नीड टू नो वाई अगर आप किसी को भी अचानक जाके कुछ करने को बोल दोगे तो ज्यादा चांसेस है कि वो उस काम को नहीं करेंगे लेकिन अगर आप उनको उस काम के पीछे का कारण बता देते हो यानी कि वाए तो शायद वो लोग उस काम को और भी ज्यादा मेहनत से करें तो आपको अपने इम्प्लॉयज को खाली काम नहीं बताना बल्कि उस काम के पीछे का वाय यानी कि उस काम को क्यों करना है वो भी बताना है तब आपके इम्प्लॉय ज्यादा मोटिवेटेड हो उस काम को करने के लिए और अगर आपको भी किसी काम में क्लैरिटी चाहिए तो आपको भी उस काम के पीछे का वाय बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए दोस्तों अब अगली पॉइंट है समथिंग दैट सीम स्मॉल कैन ग्रो इनटू अ बिग थिंग यानी कि अगर आपको अभी कोई चीज देखने में छोटी लग रही है तो वो चीज फ्यूचर में जाके बहुत बड़ी भी बन सकती है यहाँ पे जस्टिन केन ने कहा है कि अगर आपके पास ज्यादा कस्टमर्स नहीं है फिर भी आपको यह पक्का करना है कि आपके जितने भी कस्टमर्स हैं वो आपके प्रोडक्ट्स है वो आपसे प्यार करे तभी आप अपने कस्टमर ग्रुप को बहुत ही बड़ा कर सकते हैं और आपकी छोटी सी आइडिया आपकी छोटी सी स्टार्टअप बहुत ही मैसिव स्केल पे ग्रो कर सकती है क्योंकि अभी वो आपको देखने में छोटी लग रही है इस वजह से उसको इग्नोर करना बिल्कुल सही बात नहीं होगी आपको हमेशा हर चीज में क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए दोस्तों अब मैं आपको दो लेसन एक साथ बताने वाला हूँ जो की एक दूसरे के साथ रिलेटेड है वो है अ गोल एंड वर्किंग ऑन टू मेनी थिंग्स कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग देखिए अगर आपको फायरिंग करनी है तो आपको किसी ना किसी टारगेट की तो जरूरत रहेगी बिना टारगेट के आप शूट किसे करेंगे तो इस वजह से हमें गोल सेट करना बहुत ही जरूरी है ये आपको डायरेक्शन देता है कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है और सेम वक्त पे अगर आप कई सारे चीजों पे एक साथ टारगेट कर रहे हो तो ऐसी ज्यादातर गड़बड़ ही होता है तो इस वजह से एक टाइम पे एक ही टारगेट पे फोकस कीजिए ज्यादा चीजों पे फोकस करने से बहुत ही डिस्ट्रैक्टिंग और रिजल्ट्स आपके एक्सपेक्टेशन से से बहुत नीचे आती है दोस्तों इस वीडियो अगर आपको अब तक वैल्यू मिल रही है तो यूट्यूब एलगोरिज्म को यह बात बताने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आपको ऐसी इंटरेस्ट है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों अगली लेसन है टॉक टू योर कस्टमर ये किसी भी बिजनेस के लिए उसका फंडामेंटल है अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करना है तो आपको पहले अपने कस्टमर से बात करनी पड़ेगी आपको उन्हें समझना पड़ेगा वो कौन है और उनको किस चीज की जरूरत है तभी आप एक परफेक्ट मार्केट फिट बना सकते हैं अब अगली लेसन है, sure है और सबको जरूरत होता है तो जर्नी में बीच बीच में आपको रुक के आपने आज तक जो भी एक किया है आप जितनी भी दूर आए है उसको आपको सेलिब्रेट करना चाहिए ये आपको मोटिवेट करता है और ये आपको क्लैरिटी भी देता है कि आपको आगे और क्या करना चाहिए दोस्तों अब अगली लेसन है डोंट बी अफ्रेड टू से नो अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो आपको वो पसंद नहीं है आपको विलिंग होना पड़ेगा कि आप उनको मना कर सके क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो ज्यादातर लॉस आप ही को होगा यू हैव टू बी विलिंग टू वॉक अवे सो अब अगली और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है इक्विटी इज अ गैम्बल यानी कि इन्वेस्टर्स को लाना जुए की तरह है क्योंकि ये आपको बहुत ऊपर भी उठा सकता है लेकिन ये आपको बहुत नीचे भी गिरा सकता है दोस्तों रिवर्क बुक में ऑथर जेसन फ्राइड ने इन्वेस्टर से रिलेटेड छह प्रॉब्लम के बारे में बताया था जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में डिस्कस की है तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं ये वीडियो आपको एंड स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह मिल जाएगी दोस्तों अब अगली लेसन है बेस्ट टाइम टू सेल योर कंपनी इज वे डों टू यानी कि अगर आप अपनी कंपनी को बेचना चाहते हो तो उसको बेचने का सही वक्त है जब आपको उसको बेचने की जरूरत नहीं ये अगर मैं आपको एक एक्जाम्पल से समझाऊ तो सोचे कि आपको एक दूसरी जॉब की तलाश है लेकिन फिलहाल आपके पास ऑलरेडी एक जॉब है तो क्या आप बहुत ही हड़बड़ी में किसी भी जॉब को एक्सेप्ट करोगे या फिर आप बहुत ही टाइम लेके अच्छे से जॉब्स को सर्च करोगे और उस जॉब को सिलेक्ट करोगे जो कि आपकी ज्यादा से ज्यादा डिमांड को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन अगर दूसरी सिनेरियो में आपके पास जॉब ही नहीं है तो आपको मजबूरन कोई भी जॉब एक्सेप्ट करनी पड़ेगी चाहे आपको वो पसंद हो या नहीं तो ऐसा ही सेम सिचुएशन होता है जब आप अपनी कंपनी को बेचना चाहते हो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आपको ऐसी कंटेंट में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूं अगले वीडियो में तब तक कुछ नहीं सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे